हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे गाइस, और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो गाइस देखो, अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? अब हमारा टारगेट है नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट गाइस, देखो अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट क्या है वो आपका है एक तो SBI क्लर्क और आपका IPS क्लर्क। देखो IPS क्लर्क का आपका नोटिफिकेशन आपके पास ऑलरेडी है और जिसकी लास्ट डेट आपकी 21 जुलाई है। तो आई होप सभी ने फॉर्म भर दिया होगा गाइस। और जो आपका SBI क्लर्क है ना गाइस, ये SBI क्लर्क आपको इसी जुलाई मंथ में देखने को मिलेगा। 99.9% की मैं गारंटी देता हूँ गाइस, ठीक है? मैंने इसके लिए शॉर्ट वीडियो बनाया था, ठीक है? अब देखो IBPS RRB क्लर्क की आपकी डेट आ चुकी है और उसके बाद आपका RRB PO होगा। तो इनकी तैयारी मैं मान के चलता हूँ आपकी ऑलरेडी हो चुकी होगी आपकी प्री के लिए। तो अब आप डेली क्या करोगे? डेली 2 से 3 मॉक लगाओगे गाइस, ठीक है? तो गाइस देखो, आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो है फ्लोर बेस पजल। अब इस फ्लोर बेस पजल का आपका सेट नंबर कौन सा है? ये सेट नंबर 7th है। मैंने देखो यहाँ पे लिखा है अप्रोच का ही खेल है सारा। तो आपने सीखा होगा कि देखो तो टोटल मेरे जो रीजनिंग का है ना उसमें जो पजल है ना आपका वो 70 to 80% सिलेबस क्या करता है? कवर करता है। तो मान के चलो टोटल आपके 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 में से अगर आपके 20 से 25 क्वेश्चन अगर आपके रीजनिंग के आते हैं, मतलब पजल्स के आते हैं, तो आप मान के चलो आपका जो सिलेबस है वो ऑलरेडी कवर हो चुका है अगर आपने इस टॉपिक को एकदम परफेक्ट तरीके से कर दिया गाइस, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे। देखो ये मेरा पजल नंबर कौन सा है? ये मेरा पजल नंबर है 15। मैं अभी तक क्या कर रहा है कि क्वांटिटी फोकस ना करके क्वालिटी पे फोकस करता हूँ। मतलब आपको एक बेहतरीन अप्रोच सिखाता हूँ, चाहे क्वेश्चन मेरे 2 ही क्यों ना हो, ठीक है? ये मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ, ठीक है? अब देखो ये मेरा क्वेश्चन क्या है कि आपके पास 9 पीपल लिविंग इन डिफरेंट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब 9 फ्लोर की बिल्डिंग है और 9 ही आपके पास पर्सन है। ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट गेम्स, जैसे चेस ये आपके गेम दे रखे हैं, लास्ट जो आपका है वो टेनिस है, ठीक है जी? ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। तो कोशिश करना, एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। देखो मेरे पास कितने आपके, मेरे पास जो फ्लोर दे रखे हैं वो दे रखे हैं मेरे 9 ही पीपल है और 9 ही मेरे फ्लोर है। तो देखो यहाँ पे लिख दूं मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये मेरे हो गए 9 फ्लोर। अब देखो इस प्रकार के पजल्स को सॉल्व करने के लिए एक ही चीज आपको सीखनी है कि आपको अप्रोच अगर आपकी परफेक्ट हो गई तो आप डेफिनेटली, चाहे प्री का पजल हो चाहे मेंस का पजल हो, आप डेफिनेटली उसको विद इन टाइम सॉल्व करना सीख जाओगे, ठीक है? तो देखो अब इसमें आगे क्या बोला है कि डिफरेंट डिफरेंट आपके गेम से लाइक करते हैं, यहां से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या बोला, देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन आई एंड द वन हु लाइक वन हु प्ले क्रिकेट। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप अगर बिगिनर्स हो, अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो अभी, ठीक है? तो आप क्या करो, सबसे पहले है कि सारी इंफॉर्मेशन को लिख लो, उसके बाद ऐसी इंफॉर्मेशन देखो जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो। उसके बाद जो बाकी की इंफॉर्मेशन है ना उसको आप कनेक्ट करते जाओ। जैसे इसने क्या बोला, आई और जो पर्सन आपका क्रिकेट खेलता है ना उसके बीच में आपके 3 पर्सन है। अब ये पॉसिबिलिटी कहती है कि आई मेरा क्रिकेट के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। आपको डायरेक्ट नहीं करना है कि हाँ से आई और क्रिकेट के बीच में 3 दे रखे हैं, आई ऊपर आ जाएगा क्रिकेट नीचे आ जाएगा, नहीं। इसमें आपकी 2 पॉसिबिलिटी है। आगे क्या बोला कि आई हाँ लिव्स ऑन अ इवन नंबर फ्लोर, आई आपका जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा, ठीक है जी? मेरे पास एक ही डेफिनेट कंडीशन हो गई कि आई मेरा ऑड में तो नहीं आएगा, इवन पे आएगा, ठीक है जी? द वन हू प्ले खो खो लिव्स इमिडिएटली बिलो द वन हू लाइक वन हू प्ले क्रिकेट। तो क्रिकेट के जस्ट बिलो वाला पर्सन कौन सा गेम खेलेगा आपका? वो खेलेगा खो खो, ठीक है जी? 2 पर्सन लिव बिटवीन आई एंड जी, आई और जी के बीच में आपके 2 पर्सन, ठीक है जी? और जी डज नॉट लाइक खो खो, तो जी के साथ कौन सा पर्सन नहीं आएगा आपका? जी नहीं आएगा। आगे बोला कि एच लिव्स इमिडिएट अबाउट सी, तो
तो सी के जस्ट अबाउ आपका आएगा एच। ठीक है जी, अभी तक मुझे कोई भी डेफिनेट इन्वर्शन नहीं मिली, बस ये आई एक एच इवन नंबर पे है ये मुझे पता है। ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन एच एंड ए, एच और ए के बीच में आपका एक पर्सन होगा। अब ये ए ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी। द वन हू प्ले टेबल टेनिस लिव्स इमीडिएट बिलो जी, जी के जस्ट नीचे आएगा आपका जो टेबल टेनिस लाइक करेगा, तो मैं इसको टीटी लिख देता हूँ। ठीक है, सी लाइक्स खोखो, तो सी कौन, ये जो आपका खोखो है ना, कौन लाइक करेगा आपका सी, तो यहाँ पे जी को हटा देते हम। चलिए कौन लाइक करेगा ये आपका लाइक करेगा सी, कौन सा गेम, खोखो। आगे क्या बोला, टू पर्सन लिव्स बिटवीन द वन हू प्ले हॉकी एंड द वन हू लाइक बैडमिंटन। देखो जो पर्सन आपका हॉकी खेलता है उसके और जो पर्सन आपका बैडमिंटन, हाँ बैडमिंटन लाइक करता है, उसके बीच में आपके दो पर्सन आएंगे। अभी ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। बी प्लेस हॉकी, बी आपका कौन सा गेम खेलेगा, वो खेलेगा हॉकी। बी डज नॉट लिव्स इमीडिएट अबाव एच, एच के जस्ट अबाव मेरा कौन नहीं आएगा, वो मेरा बी नहीं आएगा, ये चीज आप लिख के क्रॉस कर दो। द वन हू प्ले चेस लिव्स इमीडिएट अबाव ई, ई के हाँ यहाँ पे लिख देना, ई के जस्ट अबाव वाला पर्सन कौन सा गेम खेलेगा आपका, वो खेलेगा चेस। जी डज नॉट प्ले चेस, तो जी आपका कौन सा गेम नहीं खेलेगा, वो आपका चेस नहीं खेलेगा। डी प्ले फुटबॉल, तो डी मेरा कौन सा गेम खेलेगा, वो खेलेगा फुटबॉल। लास्ट बोला है ई प्ले टेनिस, ई मेरा कौन सा गेम खेलेगा आपका, वो खेलेगा टेनिस। तो यहां से मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, बट मुझे ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो, अनवांटेड साउंड होते कृपा करके इग्नोर कर देना। तो मेरे पास क्या है, अब देखो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास देखो ये वाली, आप क्या कर सकते हो, इससे स्टार्ट कर सकते हो। अब आई मेरा यहाँ पे भी आ सकता है, आई मेरा देखो फोर्थ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, सिक्स पे भी और एट पे भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है मेरे। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं आई को लेता हूँ सेकेंड फ्लोर में। अब आई और क्रिकेट के बीच में कितने पर्सन आएंगे, तीन आएंगे, तो एक दो तीन, जो आपका सिक्स फ्लोर पे रहेगा वो लाइक करेगा क्रिकेट। ठीक है जी, अभी तक तो ठीक है। और क्रिकेट के जस्ट बिलो आपका वो पर्सन है खोखो लाइक करता है, और वो कौन है, वो आपका सी है, तो फर्स्ट फ्लोर पे आ गया आपका सी और वो लाइक करेगा आपका खोखो। चलिए ये हो गया, ओके जी। अब देखो आई और जी के बीच में दो पर्सन है, तो एक दो यहां पे आ गया जी। ठीक है, और जी के जस्ट बिलो कौन है आपका जो टेबल टेनिस लाइक करेगा, तो जी के नीचे हो गया आपका टेबल टेनिस लाइक करने वाला पर्सन। ओके, इसको यहाँ पे, ये टेबल टेनिस था हमारा, तो ये हो गया आपका वो पर्सन जो आपका टेबल टेनिस लाइक करेगा। अभी तक देखो मैं पॉसिबिलिटी है वो चेक कर रहा हूं, बट अभी तक मेरी सारी सही हो रही है। ये हो गया मेरा, अब आपका देखो हो गया। चलिए यहां तक मेरी इंफॉर्मेशन हो गई कंप्लीट, जो मुझे ऐसा लग रहा था आई से कनेक्ट हो रही है। अब उसके बाद देखो, हाँ अब आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कनेक्ट हो सकती है। अब देखो आपके पास देखो H और ये वाली हो सकती है ना। अब देखो यहां पे भी H आ सकता है, C H। अब देखो हम चेक करते हैं इसके लिए, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा PO लेवल के क्वेश्चन से गाइस, ठीक है, ध्यान रखना। देखो है ना, ये तो हो गया मेरा। अब हाँ जी मेरा चेस लाइक नहीं करेगा, तो यहाँ पे मेरा कौन सा गेम नहीं आएगा, वो चेस नहीं आएगा। ठीक है जी, अब देखो आप सी के जस्ट अबाउ मेरा एच है,
तो मैं क्या करता हूं देखो, और एच और ए के बीच में आपका 1% है ना, तो आप क्या कर सकते हो देखो। हाँ चलिए हम क्या करते हैं, इसको पुट अप करके देखते हैं। सपोज मैं लेता हूं एच को यहां पे, एच और ये आ गया मेरा सी, और एच और ए के बीच में आपका 1% है, तो आ गया ए मेरा, अभी तक सही है ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखो आपका, हाँ ई के जस्ट अबाउट चेस वाला पर्सन है, तो ई अगर मैं यहां पे लेता हूँ चेस पॉसिबल है, और ई यहाँ पे ले नहीं सकता क्योंकि चेस आएगा ना जी के साथ, और ई यहाँ पे ले नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी टेबल टेनिस है, ठीक है जी। तो ई मेरा लाइक करेगा क्रिकेट, अभी तक देखो पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ मैं, ए मेरा कौन सा गेम लाइक करेगा आपका, वो करेगा चेस, ठीक है जी। अब देखो ई मेरा देखो यहाँ पे टेनिस लाइक करेगा, कौन सा लाइक करेगा टेनिस, मतलब ये केस तो हो गया मेरा कैंसिल, ठीक है कौन सा एच वाला, चलिए क्योंकि आपका ई लाइक करेगा टेनिस। चलिए उसके बाद देखो यहां पे मैं एच को ले लूं है ना, और ये हो जाएगा मेरा सी क्योंकि जस्ट बिलो है ना सी आपका एच के, और एच और ए के बीच में 1% है, ठीक है। हाँ सॉरी गाइस, देखो अब उसके बाद देखो ई के जस्ट अबाउट आपका चेस वाला पर्सन आएगा, ई यहाँ पे ले सकते हो, नहीं ले सकते सर, ई यहाँ पे ले सकते हो, नहीं, और ई की पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी कैंसिल हो गई, ठीक है, मतलब मेरा ये भी कैंसिल हो गया। इसमें देखो नंबर ऑफ पॉस मिनिमम पॉसिबिलिटी लेने की कोशिश करा मेरे साथ, क्या करो मिनिमम पॉसिबिलिटी लेने की कोशिश करो आप। अब देखो एच को मैं यहां पे लेता हूं है ना, और मैं क्या करता हूँ सी को यहां पे लेता हूँ, ठीक है, और एच और ए के भी, अब ए नीचे तो पॉसिबल नहीं है तो ऊपर आ जाएगा ए, ठीक है। अब ई और ये तो ई तो यहां पे आ नहीं सकता, तो ई की जगह देखो ये बची, ई मेरा अगर 8th फ्लोर पे लेता हूँ, ये मेरा लाइक करेगा चेस जस्ट अबाव हुआ ई के, और ई मेरा क्या है टेनिस लाइक करता है, मेरा ये पॉसिबिलिटी अभी तक सही है, ठीक है जी। अब उसके बाद देखो डी मेरा फुटबॉल लाइक करता है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा, तो डी लाइक करेगा आपका फुटबॉल, लास्ट जो पर्सन होगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा बी, तो यहां पे आ गया बी, तो मेरे पर्सन एकदम सही आ गए, बट मेरे अभी गेम बचे हुए हैं, तो यहां पे देखो बी कौन सा गेम लाइक करेगा आपका, हॉकी लाइक करेगा, मतलब ये पॉसिबिलिटी मेरी कैंसिल हो गई क्योंकि यहां पे बी क्या लाइक कर रहा है टेबल टेनिस, ठीक है सर, तो ये भी पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। चलिए अब इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी और बची, कैसे, अगर मैं सपोज एच को यहां पे लूं और सी को यहां पे लू, सॉरी ए सी नहीं, जस्ट अ मिनट गाइस, हाँ हमने देखो एक चीज गलत कर दी यहाँ पे, हमारे पास ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन ऐसी दे रखी थी जो सी के ऊपर है, हमने देखो यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाए थे, ठीक है, तो ये केस हो गया मेरा आई का कैंसिल यहाँ से, क्योंकि जो आपका है ना हम फालतू में इसमें टाइम वेस्ट कर रहे थे, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, सॉरी फॉर दैट। चलिए अब देखो आई यहां से कैंसिल हो गया, अब आई को मैं लेता हूं यहां पे, और आई और क्रिकेट के बीच में 3 है, तो एक यहां तो नीचे पॉसिबल नहीं है, तो 1 2 3 यहां पे आ जाएगा आपका क्रिकेट लाइक करने वाला पर्सन। अब आई और जी के बीच में 2% है, तो 1 2 जी यहां भी पॉसिबल है, 1 2 जी यहां भी पॉसिबल। अब देखो क्रिकेट के नीचे आपका कौन सा पर्सन जो खोखो लाइक करता है, तो जो आपका खोखो लाइक करता है वो आ जाएगा 7th फ्लोर पे, और वो कौन है आपका, वो है आपका सी, और सी के जस्ट अबाउट कौन है आपका एच है, और एच और ए के बीच में आपका देखो 1% है, तो ऊपर तो पॉसिबल है मतलब नीचे आएगा, ठीक है जी। अनवांटेड साउंड तो कृपया करके इग्नोर कर देना। अब देखो आपका आई और जी के बीच में 2% है, तो 1 2 जी तो यहाँ पे आ जाएगा, बस जी के नीचे आना चाहिए आपका टेबल टेनिस लाइक करने वाला पर्सन, मतलब ये पॉसिबिलिटी मेरी हो गई कैंसिल, बिल्कुल 0 से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, इतना बेसिक कोई नहीं पढ़ाता गाइस, ठीक है,
आपको भी पता है, मेरे को पता है, कौन इतना बेसिक से पढ़ा था, कोई नहीं बता रहा, मैं ही बता रहा हूँ आपको एक एक चीज़, ठीक है। तो कृपया करके शेयर करना और बच्चों के साथ क्लास को जरूर शेयर करना। देखो अब आई को लेता हूँ मैं आपका सिक्स्थ फ्लोर, ऊपर तो आ नहीं सकता, एक दो तीन क्रिकेट वाला पर्सन, तो नीचे आएगा एक दो तीन, ये वो पर्सन हो गया आपका जो क्रिकेट लाइक करेगा। अनवांटेड साउंड हो रहा है, कृपया करके इग्नोर कर देना गाइस प्लीज, ठीक है। और ये आ गया आपका खो खो लाइक करने वाला पर्सन, ठीक है। ये आ गया आपका फर्स्ट फ्लोर पे, और वो कौन है आपका, सी है, सी आ गया मेरा, और इसके जस्ट अबव हो गया आपका एच, एच और ए के बीच में एक पर्सन है, तो ई आ गया ए, ठीक है जी। अब देखो आई और जी के बीच में दो पर्सन है, एक दो जी तो यहाँ पे आ जाएगा, बट जी के नीचे आप कौन सा होना चाहिए जो आपका टेबल टेनिस लाइक करेगा, मतलब नहीं आएगा यहाँ पे, तो एक दो जी आ जाएगा मेरा नाइन्थ फ्लोर का, और इसके नीचे आ जाएगा आपका जो पर्सन आपका टेबल टेनिस लाइक करता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखो आप क्या करो, ये हो गया, अब ई के ऊपर आपका आएगा चेस, ई के ऊपर आएगा चेस, ई यहाँ पे आ सकता है, ई यहाँ पे भी आ सकता है, नहीं आ सकता, ई यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि चेस लाइक नहीं करेगा जी, यहाँ पे बोला है ना। तो अब इसके पास मेरे पास पॉसिबिलिटी है, क्या है मेरे पास पॉसिबिलिटी है, तो हम चेक करते हैं। ई को सपोज अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, इसके जस्ट अबव आ गया मेरा चेस वाला पर्सन जो चेस लाइक करता है, और ई मेरा क्या लाइक करता है, वो लाइक करता है टेनिस, ठीक है जी। अब उसके बाद देखो, हाँ अब उसके बाद हम क्या करें, हाँ देखो ये वाली इंफॉर्मेशन है लास्ट। अब बी को अगर मैं यहां पे लेता हूं तो एक दो बैडमिंटन आएगा, नहीं आएगा सर। अगर मैं बी को या बैट बी को यहाँ ले सकता, अगर मैं बी को यहाँ पे लू तो एक दो नहीं आ सकता बैडमिंटन, अगर मैं बी को यहाँ पे लू, अगर देखो बी को यहाँ पे लेता हूँ तो एक दो बैडमिंटन नहीं आएगा, अगर मैं बी को यहाँ पे लू तो एक नहीं आएगा, और बी को यहाँ पे ले नहीं सकता, मतलब ये जो आपकी पॉसिबिलिटी हो गई कैंसिल इसकी ई की। चलिए अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। अब उसके बाद देखो सपोज मैं ई को लेता हूँ यहाँ पे, और ये आ जाएगा वो पर्सन जो आपका चेस लाइक करता है, और ई आपका क्या करता है, ई आपका लाइक करता है टेनिस, तो ये लाइक करेगा आपका टेनिस, ठीक है जी सर। अब उसके बाद देखो आप क्या कर सकते हो, ये बैडमिंटन वाली इंफॉर्मेशन चेक करेंगे हम, बी को यहां पे लू मैं तो एक दो नहीं पॉसिबल है, अगर मैं बी को यहां तो ये भी ले नहीं सकता क्योंकि एच के जस्ट अबाउ उसने पहले मना कर दिया आपका बी नहीं आएगा यहां पे, तो बी आएगा नहीं। तो सपोज अगर मैं बी को लेता हूं यहां पे, बी लाइक करता है मेरा हॉकी, तो ये हो गया मेरा यहाँ पे हॉकी प्ले करने वाला पर्सन, मतलब कौन है वो आपका, बी हो गया, और बी और बैडमिंटन के बीच दो है, तो एक दो ए लाइक करेगा आपका बैडमिंटन, ठीक है। लास्ट जो आपका बचा वो डी है, वो फुटबॉल लाइक करता है, तो डी यहां पे आ नहीं सकता, तो यहां पे आ गया डी जो क्या लाइक करेगा आपका फुटबॉल। लास्ट जो पर्सन है आपका बी, बी तो हो गया मेरा ऑलरेडी, अब देखो कौन सा पर्सन बचा, तो ए आ गया, बी आ गया, सी डी ई हो गया, एफ नहीं आया ना, ठीक है यहाँ पे आ गया मेरा एफ, और लास्ट जो मेरा गेम कौन सा बचा वो कैरम है, कैरम मेरा आ जाएगा टॉप पे, तो ये देखो मेरी पजल हो गई कंप्लीट। तो आपने देखा होगा कि एक इंफॉर्मेशन से मेरा मुझे टाइम लग गया, मिसप्लेस होने से मुझे टाइम लग गया। तो आप देख सकते हो अगर आपने एक चीज अगर आपने गलत लिख ली, या आपने मिनिमम पॉसिबिलिटी वाले अगर केस नहीं चेक किया, तो आप क्या करोगे, पजल को पहले गलत कर दोगे, उसके बाद आप दोबारा स्टार्ट करोगे, तो देखो आपको 2-3 मिनट 5 मिनट वहां पे लग गए, फिर से दोबारा 2-3 मिनट 5 मिनट आप लोगे, तो आप सोचो कितना टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। और ये चीज आपको ध्यान रखना, इस आरआरबी क्लब में अगर एक भी क्वेश्चन आपने छोड़ा, देखो मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले तो आप कोशिश करो एक्यूरेसी, अगर आपकी 100% एक्यूरेसी है तो आपका डेफिनेटली हर एग्जाम क्रैक होगा,
बट मैं अगर बात करूं आरआरबी क्लर्क की, तो सबसे जीरो लेवल का पेपर आरआरबी क्लर्क ही माना जाता है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। प्री में एक भी क्वेश्चन गलत हुआ मतलब आप रेस से ऑलरेडी बाहर हो। ठीक है, कोशिश करना है 70 से ज्यादा अटेम्प्ट करना। ठीक है, बिल्कुल हलवा लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आप डेफिनेट देखते उसको सॉल्व कर दोगे। बस अपनी जो कैलकुलेशन स्पीड पे फोकस करो जितना हो सके। अब डेली 3 से 4 मॉक लगाओ गाइस, उनके सॉल्यूशन मुझे सेंड करो, कहाँ समस्या हो रही है, कहाँ स्कोर अगर आपका कम आ रहा है तो क्यों आ रहा है। आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो रियल एग्जाम होता है और जो आपका मॉक टेस्ट होता है इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि जो मॉक लेवल होते हैं जो कंपनीज बनाती है वो क्या करती है, लेवल जो थोड़ा सा बढ़ा कर रखती है। बस जो आरआरबी क्या करता है आईबीपीएस का, मतलब आईबीपीएस क्या करता है, लेवल बिल्कुल जीरो कर देता है, वो आपको एकदम से इजी लेवल पे लेके आ जाता है। तो आप क्या करो, कोशिश ये करो कि आप हमेशा डिफिकल्ट मॉक ना बना के इजी लेवल के मॉक बनाओ। और इसके लिए प्रिफरेंस में दे रखा है मैंने, एक तो टेस्ट बुक है आपका, एक अड्डा 247 है, सबसे लो लेवल के आरआरबी के जो क्लर्क के पेपर है ना मॉक, वो आपके टेस्ट बुक में मिलेंगे, तो आप डेफिनेटली वहां से करो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि 7 पीपल है आप, कितने पीपल है, 7 पीपल है, सेपरेट 7 फ्लोर की बिल्डिंग में रहते हैं। ईच ऑफ दिस ट्रेवलिंग डिफरेंट सिटी, सिटी कौन कौन सी आपकी, दिल्ली, बम्बई, सॉरी बॉम्बई, पटना, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, लखनऊ, ये आपकी 7 सिटी दे रखी है। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए, कोशिश करना एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना। देखो मेरे पास क्या 7 पर्सन है और 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5, 6 और ये हो गया 7, तो ये मेरे हो गए 7 फ्लोर। अब मेरी इंफॉर्मेशन देखो यहाँ से स्टार्ट होती है, ओनली 3 पीपल लिव अबाव फ्लोर ऑन विच पी लिव, मतलब पी के ऊपर है मेरे 3 ही फ्लोर होंगे, तो ये मेरी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, इसको डायरेक्ट पुट अप कर सकता हूँ ना, देखो यहाँ पे उसके ऊपर 1, 2, 3 हो गए। ठीक है जी, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन पी एंड द वन हू ट्रेवलिंग टू बैंगलोर। अब देखो बैंगलोर वाले, अब यहाँ पे मैं इसको इन्फॉर्मेशन को लिख लेता हूँ कि पी जस्ट अ मिनट गाइस, देखो जस्ट अ मिनट गाइस, देखो अब देखो जो आपका पी है और जो आपका पर्सन ट्रेवल करता है आपका बैंगलोर, उसके बीच में 1 पर्सन है, तो बैंगलोर वाला पर्सन मेरा ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है मेरे पास। ठीक है जी, आगे बोला यू लिव्स इमीडिएट बिलो द वन हू ट्रेवलिंग टू मुंबई, जो पर्सन आपका मुंबई जाता है ना उसके जस्ट बिलो आपका कौन होगा, जो आपका यू है वो ट्रेवल करता है। तो ट्रेवलिंग द वन हू ट्रेवलिंग टू मुंबई लिव्स ऑन अ इवन नंबर फ्लोर, जो आपका ट्रेवल करता है ना मुंबई वो इवन नंबर फ्लोर पे रहेगा। ठीक है जी, ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन बेंगलोर एंड पटना, देखो यहाँ पे मैं लिख दूं, चलो अगर यहाँ पे लिख देते हैं, जो आपका पर्सन बेंगलोर जाता है और जो आपका पटना जाता है उसके बीच में आपके 3 पर्सन। ठीक है जी, टी लिव्स इमीडिएट अबाव आर, आर के जस्ट अबाव मेरा होगा टी, टी इज नॉट ट्रेवलिंग टू पटना, तो टी मेरा कहाँ नहीं जाएगा, आपका पटना नहीं जाएगा। ठीक है चलिए, आगे क्या बोला, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन क्यू एंड द वन हू ट्रेवलिंग टू कोलकाता, जो पर्सन आपका क्यू है और जो आपका पर्सन कोलकाता मतलब कोलकाता जाता है उसके बीच में 2 पर्सन है। अभी कोलकाता वाला पर्सन क्यू के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी। आगे क्या बोला, द वन हू ट्रेवलिंग टू कोलकाता लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच क्यू लिव्स, तो ये मेरी हो गई, यहां से पता चल गया कि कोलकाता वाला पर्सन मेरा क्यू के नीचे आएगा। ठीक है जी, द वन हू ट्रेवलिंग टू दिल्ली डस नॉट लिव्स इमीडिएट अबाव और इमीडिएट बिलो क्यू, देखो क्यू के जस्ट अबाव भी दिल्ली नहीं आएगा, ठीक है, और ना ही इमीडिएट बिलो आएगा। ठीक है जी, दोनों पॉइंट लिख दिया मैंने। ठीक है, एस डज नॉट लिव इमीडिएट अबाव और इमीडिएट बिलो पी, पी के ऊपर भी मेरा एस नहीं आएगा और ना मेरा उसके नीचे आएगा। लास्ट बोला कि वी डज नॉट ट्रेवल टू चेन्नई,
अभी मेरा कहाँ नहीं जाएगा, मेरा वो चेन्नई नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी। अब मैं देखो चेक करता हूं पॉसिबिलिटी कैसे, मेरे पास देखो ये वाली दे रखी थी ना एक, और एक ये है, प्लीज इग्नोर कर देना अनवांटेड साउंडिंग के ऊपर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पी के ऊपर एक बार लेता हूँ बैंगलोर वाला पर्सन, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ बैंगलोर, है ना, बैंगलोर ही है ना ये, बैंगलोर नहीं है, बैंगलोर ही। तो ये आ गया मेरा बैंगलोर वाला पर्सन। अब देखो बैंगलोर और पटना के बीच में 3 पर्सन है, तो 1 2 3 सेकंड फ्लोर पे आ जाएगा मेरा पटना जाने वाला पर्सन, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखो पटना मेरा टी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे टी नहीं आएगा। चलिए अब आगे देखो, मुंबई आपका इवन नंबर फ्लोर पे आएगा, तो यहाँ पे आ नहीं सकता ना, मेरा 6th पे आ सकता है। तो पी मेरा वो पर्सन होगा जो आपका मुंबई जाएगा, और इसके इमीडिएट बिलो आपका हो जाएगा यू, ठीक है जी। अब आपका देखो एक इंफॉर्मेशन और है, आर और टी से रिलेटेड, तो आर टी यहाँ पे तो आ सकता है, टी पटना के साथ नहीं आएगा, तो आर टी मेरा यहीं का ही आएगा ऊपर वाले, ठीक है जी। चलिए अब मैं एक चीज और देख सकता हूँ कि क्यू और कोलकाता के बीच में 2 पर्सन है, और कोलकाता वाला पर्सन क्यू के नीचे आएगा, तो क्यू अगर मैं सपोज यहाँ पे लेता हूँ, तो 1 2 कोलकाता सकता नहीं आ सकता सर, क्यू को अगर मैं यहाँ पे लू तो 1 2 कोलकाता पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैं क्यू को यहाँ पे लू तो 1 2 कोलकाता पॉसिबल नहीं है, बट अगर मैं सपोज क्यू को यहाँ पे लेता हूँ, तो मेरी ये वाली इंफॉर्मेशन कनेक्ट नहीं होगी, आर टी नहीं होगी ना, ठीक है जी। तो यहां से देखो है क्या पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है। चलिए तो यहां से मुझे एक चीज पता चल गई कि आपका जो है ना ये, चलिए तो यहां से मुझे एक चीज पता चल गई कि मेरा क्या है, बेंगलोर पी के ऊपर नहीं आएगा, ये क्या होगा मेरा नीचे आएगा पी के, ये आ गया मेरा बेंगलोर। 1 2 3 बेंगलोर और पटना के बीच में 3 है, 1 2 3 तो पटना वाला पर्सन आ गया मेरा यहाँ, ठीक है जी, और पटना मेरा टी नहीं जाएगा। अब देखो क्यू और अब देखो, हाँ ये मुंबई मेरा इवन नंबर पे आएगा, तो सेम केस होगा, पी आपका कहाँ जाएगा, वो जाएगा मुंबई, और इसके जस्ट बिलो आपका आ जाएगा यू, ठीक है जी। अब देखो क्यू और कोलकाता कनेक्शन, क्यू यहां पे लेते हो सपोज, तो 1 2 कोलकाता पॉसिबल है, नहीं सर, अगर मैं क्यू को यहां पे लू 1 2 कोलकाता पॉसिबल नहीं है, तो मेरा क्यू की जगह मुझे पता चल गई क्या हो जाएगी। चलिए ये मेरा यू है, और ये पटना वाला पर्सन मेरा क्यू हो जाएगा, 1 2 क्यू मेरा हो जाएगा कोलकाता ट्रैवल करने वाला पर्सन, ठीक है जी। अब देखो आरटी, तो आरटी यहां पे कनेक्शन हो सकता नहीं, बट देखो यहां पे पॉसिबल है, आर के जस्ट अबाव मेरा हो गया टी, ठीक है जी, ये हो गया। अब क्यू के ना तो ऊपर दिल्ली जाएगा पर्सन, ना नीचे जाएगा दिल्ली, तो यहां पे आएगा नहीं दिल्ली, यहां पे भी दिल्ली नहीं आएगा, आज मेरा ट्रैवल करेगा दिल्ली, ठीक है जी। अब उसके बाद देखो कोई और इंफॉर्मेशन दे रखी थी, हाँ देखो ये वाली, एस डज नॉट ट्रेवल टू, हाँ देखो उसने बोला था ना पी के ना तो ऊपर एस जाएगा, तो देखो पी के ऊपर एस नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा एस, और ये हो जाएगा मेरा वी। और लास्ट इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी थी कि वी मेरा चेन्नई नहीं जाएगा, तो एस मेरा क्या हो जाएगा, चेन्नई ट्रेवल करेगा, और लास्ट जो आपका वी है वो ट्रेवल करेगा आपका लखनऊ, कहाँ ट्रेवल करेगा आपका, वो करेगा लखनऊ। तो ये पजल मेरी क्या हो गई, कंप्लीट। तो आपको इसलिए मैं बोलता हूँ एक एक चीज कि आप क्या करो, सबसे पहला काम करो आप सारी इन्फॉर्मेशन को लिख लो, ठीक है।
सारी इंफॉर्मेशन लिख लो, उसके बाद ऐसी इंफॉर्मेशन देखो जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो। आपको एक चीज मैं बता दू, अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है ना, तो दिमाग में गांठ बांध के रख लो, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। अगर ये आपकी है ना, तो किसी के बाप में भी दम नहीं कि आपका प्री निकल सकता। देखो गाइस, मुझे पता है, मैंने भी जब स्टार्टिंग में तैयारी करी थी तो मेरा भी यही फंडा था। मैं क्या करता था जब स्टार्टिंग में, देखो मैं क्या करता था, क्वेश्चन ज्यादा करने के चक्कर में मेरी एक्यूरेसी में अपने आप को खराब कर लेता था। तो एक्यूरेसी जब खराब कर लोगे ना आपका, तो आपने एक चीज देखी होगी, बैंक एग्जाम में अगर आपकी 100% एक्यूरेसी होती है ना आपका, आपको क्या होता है, एक से डेढ़ मार्क्स आपको बोनस मिलता है। तो ये भी आप चीज ध्यान रखो, एक्यूरेसी कितनी फायदेमंद होती है आपकी। अगर आपने स्पीड अगर है, कोई बात नहीं, एक्यूरेसी नहीं है तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपकी एक्यूरेसी है, स्पीड नहीं है, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, क्यों कट ऑफ जाती आ रहा है क्लर्क की, 70, 75, यहाँ तक कि 77 भी गई है। क्यों गई है? वो इसी कारण गई क्योंकि आपका मुकाबला पढ़ने वाले बच्चों के साथ है, कोई लल्लू पल्लू बच्चों के साथ नहीं है। तो आपको एक चीज यही ध्यान रखनी है, स्पीड होनी चाहिए प्लस आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर ये दोनों है तो सिलेक्शन कन्फर्म है, वरना नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही गाइस। दो क्वेश्चन लिए, बेहतरीन क्वेश्चन लिए थे। और इस क्लास की मैं आपको टाइमिंग बता दूं, डेली आपको मंडे से लेके सैटरडे तक आपको ये रात को 9 बजे क्लास मिलेगी। कितने बजे? 9 बजे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर कोई लगता है कोई चैनल से सीखा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ये बेल आइकन जरूर दबा देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।